को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं मायावती को नहीं, मैं गलत को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो गलत करेगा मैं उसके खिलाफ पड़ा हूँ। बट आपने जिस डिसीजन के आप अगेंस्ट किए वो मायावती जी के एमपीज ने सपोर्ट किया है, क्योंकि वो बाहर निकल गए थे। क्या कहा, मेरे एमपी वहाँ होते मैं सपोर्ट करता तो आप उससे सवाल करती, जिनके एमपी सवाल उनसे बनते। प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति क्या है, वो कौन है और वो आम आदमी है तो कैसे तय करेगा। सवाल ये है कि इस देश में जब से आरक्षण तय हुआ, जब से जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू आरक्षण तय हुआ, उस आरक्षण के तब पे हमें मिला क्या है, कितना हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पूरा हुआ है, आरक्षण जितना दिया गया था उतना मिला या नहीं मिला, उस पर वो बहस क्यों नहीं करते। और वो बहस अगर करना चाहते तो जो आबादी है देश की, इस आबादी के हिसाब से मैं मिलना चाहता हूँ, वो हमें कितना मिला और उन्हें कितना मिला, ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। जुडिशरी में हमारी संख्या कितनी है, मीडिया में संख्या हमारी कितनी है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी में हमारी संख्या कितनी, कितने हमारे प्रमुख सचिव, कितने IAS हैं, कितने PCS हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर वो चर्चा करने को राजी नहीं, वो जाति पे चर्चा क्यों नहीं करते, इस देश में आरक्षण जाति की वजह तो है, वो जाति पे चर्चा करें ना, वो सामाजिक समरसता वाला ये नाटक नहीं चलेगा। अब समानता की बात करनी पड़ेगी, जब तक समानता देश में नहीं होगी, जब तक सबको एक बराबर नहीं होगा, तब तक देश का भला नहीं होगा। और इस तबके को हाशिए पर रख के देश बड़ा मजबूत होगा, अगर वो देश का विकास चाहते हैं, देश को बढ़ता देखना चाहते हैं, तो इस तबके के अधिकार जो सीज किए हुए वापस, या फिर वो खुली बहस करें, आए वो मैं चैलेंज करता हूँ, वो आए और खुली बहस करें। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमें जाति की क्या मिला, जाति की वजह से रोज हमें मार मिलती है, रोज हमारी बहनों का अपमान होता है, जाति की वजह से रोज हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, रोज हमें जो है नीलाम किया जाता है जाति की वजह से। तो जो जाति की वजह से हम झेल रहे हैं वो भी झेलें, या फिर जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करें, ये ड्रामा ना, ये दो मुहा जो रूप हम चलेगा। कांग्रेस ने बोला है, कई और अपोजिशन पार्टीज ने बोला है कि ये BJP का सरकार का जो रूलिंग पार्टी है उसका माइंडसेट एंटी दलित माइंडसेट शो कर रहा है, ये भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ गैर बराबरी खत्म हुई, जो पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हो पाया। एंटी दलित नहीं, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, और उन्हें ये नहीं पता कि अभी वो जो दबी आवाज में कह रहे हैं, जिस दिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात आएगी, तो इस देश का बहुत बड़ा तबका है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होगा। उनकी जो विचारधारा जो लंबे समय से हमारे ऊपर खोते हैं, उससे देश नहीं चलेगा, वो सोचते हैं देश मनुष्य में चलेगा, देश संविधान चलेगा। और अगर यहाँ आप यहाँ बैठिए तो जिसको की महिलाओं को अधिकार भी सब जाते हैं, भारतीय संविधान में नहीं, तो इस संविधान की वजह से हमारा बदलते संविधान को वो अब जितनी छेड़खानों ने कर दी थी कर दी, अब ये नहीं हो पाई, हम लोग तैयार हैं। वो संसद में मोहम्मद में बैठ के बड़े डिसीजन लिए गए हैं, आर्टिकल 370 एप्लीकेशन हुआ है, कहीं ना कहीं आपको लगता है रेजोल्यूशन को लेकर भी एक सरकार के पास अभी पावर है पार्लियामेंट में बड़े डिसीजन लेने की, वैसा कुछ हुआ क्या प्लान है आपका? यही तो सवाल बनता है कि सरकार को पावर है, जनता के अधिकारों के खिलाफ डिसीजन लेने की, उनकी आवाज़ बंदूकों से दबा कर डिसीजन लेने की, ये धर्म है, ये नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या है कि सरकार की जिस जरूरत किस है, सरकार जो हम इसलिए है कि वहाँ बैठ के जो पॉलिसी बनती है वो आखिरी आदमी के लिए भी होती है, कि उसको चाहे एजुकेशन हो, उसका चाहे स्वास्थ्य हो, उसको चाहे रोजगार हो, उसका चाहे घर बार हो, ये सब सरकार मुहैया करे, इसलिए सरकार होती है। कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार होती है, सबको बराबरी का हक, न्याय दिलाने के लिए सरकार होती है, ना कि सरकार इसलिए होती है कि वो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे। अभी जो कुछ देश में पहले हो चुका, जो होने वाला उससे साबित होता है, संविधान को ताक पर के साथ भेजा जा रहा है, और विपक्ष नहीं है, विपक्ष सुनने की भूमिका में, विपक्ष चुप है, लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए हम लोग विपक्ष में तो मायावती जी की पार्टी भी आती है, जिन्होंने सपोर्ट कर दिया सब है। मैं गलत को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं मायावती को नहीं, मैं गलत को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो गलत करेगा मैं उसके खिलाफ पड़ा हूँ। नहीं, बट आपने जिस डिसीजन के आप अगेंस्ट किए वो मायावती जी के MPs ने सपोर्ट किया है, क्योंकि वो बाहर निकल गए थे। क्या कहा, मेरे MP वहाँ होते मैं सपोर्ट करता तो आप उससे सवाल करती, जिनके MP सवाल उनसे बनता, लेकिन जिन्होंने पॉलिसी को किए मैं उस पॉलिसी के खिलाफ, जो संविधान को ताक पर सपोर्ट करते थे ना मायावती जी को, तो आपसे सवाल पूछना ही जरूरी था।
मैं मेरा सपोर्ट हर उस कमजोर वर्ग के नेता को है जो वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है, मोदी नेता बहुजन छुपा की लड़ाई लड़ रहा है, जो अब तक नीति से भटका नहीं। मायावती जी को हिपोक्रेसी है कि नहीं है? एक तरफ वो कह रही है कि हम अगेंस्ट है बीजेपी की, पार्टी के नेताओं से पूछेगा, मुझे उनसे उनके बारे में कुछ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर। आपका प्लान बताइए, आप प्रोटेस्ट करेंगे कल से, क्या होगा? कल से प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, जब तक हमारा मंदिर हमें नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहाँ से हटेंगे। सरकार को पता लग जाए कि वो 25 करोड़ लोगों की आस्थाओं का सवाल है, सरकार से खिलवाड़ नहीं करते। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।